नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ये स्टॉक एक दिन पहले ही मार्केट में एंट्री लिया है और जितने लोगों ने भी आईपीओ में अप्लाई किए रहे होंगे उनको उतना लिस्टिंग गेन तो नहीं मिला जिसकी आजकल उम्मीद करते हैं। कई स्टॉक में 50%, 60%, 100% तक का लिस्टिंग गेन मिलता है। ओला इलेक्ट्रिक में इस तरीके का लिस्टिंग गेन नहीं मिला, तो ये लगभग 75 के आसपास इसका आईपीओ प्राइस था। कटअप प्राइस 77 के आसपास ओपन हुआ, फिर धीरे धीरे करके 20% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है लास्ट डे। तो जितने लोगों ने भी इसमें अप्लाई किया रहा होगा एटलीस्ट नुकसान में तो नहीं होंगे। अभी इस स्टॉक के बारे में बहुत कुछ चार्ट में तो समझ में नहीं आएगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। देखिए, हम आगे बढ़े इससे पहले जानना जरूरी है कि ये जो सेक्टर है ना इलेक्ट्रिक सेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक की, ये अभी ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन इस सेक्टर में सब्सिडी के वजह से इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ भी रहा है, लेकिन अभी मार्केट में इतना उस तरीके का डिमांड नहीं है जिस तरीके का पेट्रोल बाइक की डिमांड मार्केट में होता है। ठीक है, नो डाउट कि आने वाले दिनों में होगा, तो इसलिए अभी ये स्टॉक्स नुकसान में, जैसे ड्राफ्ट पेपर सीबी में जमा किया था उसके अकॉर्डिंग अभी फाइनेंशियल इसके बारे में पता चला है। थोड़ा बहुत आपको और इन्फॉर्मेशन बाहर से मिल सकता है या ओला के वेबसाइट में जाके आपको देखने के बाद मिल सकता है, बट बहुत डिटेल अभी समझ में नहीं आएगा। तो चार्ट के लिए अभी ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में इसका प्लान क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपका नज़रिया, जैसे मैं सोचता हूँ, मैं सबसे पहले क्या सोचता हूँ कि देखिए, आज नहीं तो कल लोग इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ शिफ्ट होंगे। जिसको एवरीडे 50 से 60 किलोमीटर चलना है, जनरली ये मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाना है या थोड़ा मार्केट में जाना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसकी जो परसेंटेज है 60-70% होगा डेली जो यूज करते हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि देखिए यही एक बाइक है, ठीक है, जितने ये पॉपुलेशन है मतलब 50-60 किलोमीटर एवरीडे चलने वाले लोग हैं, इसके पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें अभी टीवीएस भी बहुत अच्छा टक्कर दे रही है, ठीक है, और हीरो का भी है, एथर भी है, ओके, बजाज का भी आ गया है। आने वाले दिनों में इसमें कंपटीशन तो रहेगा ही, लेकिन इनमें क्या है ना, इनके और भी सेगमेंट हैं जैसे पेट्रोल का है, ओके, या और सेक्टर में काम करती हैं। ओला इलेक्ट्रिक कंप्लीटली इसी सेक्टर में काम कर रही और डेडिकेटेड रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक बना रही है, ओके, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा पोटेंशियल इसमें होगा, राइट। इसलिए जब कल लिस्ट हुआ आईपीओ में तो मैं अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे आईपीओ मिलता नहीं है, 3-4 सालों से मैं देखता हूँ मुझे आईपीओ नहीं मिलता। वो आईपीओ मिलता है जिसकी लिस्टिंग गेन नेगेटिव होता है, ठीक है, तो मैं इसलिए आईपीओ अप्लाई नहीं करता हूँ। मार्केट में आ जाता है, लिस्ट हो जाता है, 2-4 दिन देखता हूँ और अगर मुझे लगता है कि हाँ आज ही परचेस करना चाहिए तो सेम डे में परचेस कर लेता हूँ। जनरली मैं 2-4 दिन वेट करता हूँ, 2-4 दिन वेट करता हूँ, इनसाइड बन जाता है, फिर हम लोग ट्रेड लेते हैं, बहुत अच्छा गेन मिलता है। इसको तो कल जब लिस्ट हुआ तभी मैंने परचेस कर लिया था, 77-50 के आसपास मैंने बाई किया इसको, ओके, और 20% अपर सर्किट में जाके क्लोजिंग दिया। जब मैंने बाई किया तभी आप लोगों को भी मैंने शेयर किया था, मतलब 10 बजे इसका ओपनिंग हुआ, मैं 950 के आसपास ही शेयर कर दिया था टेलीग्राम चैनल में कि आप इसको बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि प्रॉफिट ना दे क्योंकि कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, ठीक है। हम लोग चार्ट के बारे में ज़्यादा तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। बहुत कुछ तो नहीं मिलेगा, लास्ट डे मैंने इसको परचेस किया, अभी थोड़ा क्वांटिटी लिया हूँ मैं, ओके, इसमें मैं लगभग 24,000 आसपास का परचेस किया और एक जो मेरा पेनी स्टॉक का डीमेट है उसमें भी लगभग मैं 24-25 हज़ार का परचेस किया हूँ, तो लगभग 50,000 रुपये भी मैंने लगाए इसमें और 17% का कल गेन मिला है, बहुत अच्छा, ठीक है, ओपनिंग में मिल गया है, राइट। तो आने वाले दिनों में थोड़ा और पैसा लगाऊंगा, अगर इनसाइड वगैरह बन गया, मान लो वीकली इनसाइड बन गया, मंथली इनसाइड बन गया, तब तो फिर मैं 1-1.5-2 लाख रुपया लगा दूंगा मैं, ठीक है, अगर ब्रेकआउट करेगा तो, ऐसा व्यू है मेरा। दूसरा पॉइंट कि देखिए, अभी हम लोग इसका जो स्क्रीनर है इसमें मैं डिटेल पढ़ता हूँ किसी कंपनी के बारे में, तो अभी आप देखेंगे तो बहुत कुछ इसके बारे में भी पढ़ने को आपको मिलेगा नहीं, इसके वेबसाइट में जाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ भी बहुत डिटेल मिलेगा नहीं। 2017 में लिस्ट हुआ, ठीक है, और देखिए ओला के बारे में एक और बहुत अच्छी बात क्या है ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, कि जितने भी इसके पार्ट्स बाइक में बनते हैं, ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक बाइक में जो यूज होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मोटर, ठीक है, ये इसी के कंपनी बनती है, ठीक है, फैक्ट्री बनती है। दूसरा
फ्रेम बनता है, ठीक है। इसके तीन चार पार्ट्स होते हैं इंपोर्टेंट। देखिए इलेक्ट्रिक बाइक में तीन चार पार्ट्स इंपोर्टेंट होता है, मोटर और फ्रेम, बैटरी, बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बैटरी, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वायर वगैरह, स्विचेस वगैरह, राइट। इस बस इतना ही बनता है। तो इलेक्ट्रिक मतलब बाइक में बहुत ज्यादा खर्चे या बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, बस बैटरी में फोकस करने की जरूरत है। बैटरी अगर सस्ते हो जाए, ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा और बूस्टअप मिल जाए, तो ये कंपनियां आने वाले दिनों में काफी अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं। तो बहुत डिटेल तो इधर आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं इधर, राइट। इसके पीयर कंपनी आपको देखने को मिलेगा इधर, ओके। तो आने वाले दिनों में थोड़ा समझ में आएगा, और मुझे लगता है कि अगर इसको सेल्स देखें तो सेल्स अभी जैसे मार्च 2021 में, 22 में, तो धीरे धीरे करके इंक्रीज ही हो रहा है। 2024 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अभी थोड़ा सा इसके वेबसाइट में भी चलेंगे, राइट। और जो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा कम दिखता है, प्रमोटर प्रमोटर शेयर होल्डिंग 50 के ऊपर होना चाहिए था, हालांकि कम हो गया है, ओके। चलिए, तो ये थोड़ा सा मुझे खराब लगता है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रॉफिटेबल कंपनी बने तो या तो डाइल्यूट करें या फिर और पब्लिक से ये लोग खरीदें, ठीक है, हो सकता है। आगे क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक व्यू रख के इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आप इसके वेबसाइट में जाएंगे आप, ठीक है, तो कुछ चीज़ें देखने को समझने को बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ चले गए आप, तो ये जो इसके जो वेरिएंट है, लगभग तीन वेरिएंट होते हैं, और एक बाइक की जो कीमत होती है लगभग स्टार्ट होता है 1,33 से, ठीक है, 1,34, नहीं माफ करो, 74 से स्टार्टिंग प्राइस है, ठीक है, फिर 1,06,000 हाईएस्ट प्राइस, 1,33,000। शायद इस ज़्यादा महंगा भी था, अभी कम कम भी हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये सब आप देख सकते हैं, चाहे तो आप ले सकते हैं। मेरा इरादा था कि एक मैं बाइक परचेस करूं, ठीक है, घर के लिए, बच्चों के लिए, ओके। तो आने वाले दिनों में ओला का ही बाइक परचेस करूंगा, क्योंकि इसका शेयर लेंगे तो कम से कम इसको तो लेना पड़ेगा। थोड़ा सा आप यूट्यूब में देख लें इसके बारे में, और भी बहुत सारी डिटेल आपको समझने को बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ चला के दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, आप देखें, मैं साउंड को ऑफ करना चाह रहा हूँ यहाँ से। ऑन आवर नेक्स्ट जनरेशन है ना, ईवी साउंड ऑफ नहीं हो प्लेटफॉर्म रहा है। वी वांट टू लोअर द कॉस्ट बट इंप्रूव परफॉर्मेंस। ओके, अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे ना, देखिए इसके तीन चार पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ओके। बाकी इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। मोटर, ठीक है, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जैसा है वही रहेगा। फ्रेम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लुक्स डिजाइन चेंज हो सकता है। बैटरी में पूरा फोकस लगाना है, ओके। बैटरी जितना इनोवेशन होंगे, जितना कंपेट किया जा सकता है, जितना बैटरी में वर्क किया जा सकता है, जितना R&D किया जा सकता है। देखिए जब कोई कंपनी लिस्टेड होती है ना, तो मैं दो तीन बातें देखता हूँ जो मैं समझता हूँ क्या हमको देखना चाहिए। अगर कंपनी कोई लिस्टेड हो रही है, न्यूली लिस्ट मतलब न्यू कंपनी अगर मार्केट में आ रही है, तो जो पैसा रेज कर रहे हैं, ठीक है, IPO से जो पैसा आने वाली है, देखिए दो तरीके से लोग फंड रेज करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं और IPO के थ्रू भी करते हैं। लेकिन जब IPO में आती है उसका ही हमको मतलब है। IPO में जो आ रही है, क्या जो इसके ऑनर हैं वो अपना शेयर बेच रहे हैं, ठीक है। अगर ऑनर अपना शेयर बेच रहे हैं तो पैसा कहाँ जाएगा? या जो सीड इन्वेस्टर हैं या एंजल इन्वेस्टर, जो कंपनी बन रही उस समय जो इन्वेस्ट किए रहते हैं, अगर वो अपना शेयर बेच रहे हैं तो फिर कंपनी में पैसा जाएगी नहीं, ठीक है, तो बहुत अच्छा होता नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर कंपनी जो फंड रेज कर रही है और कंपनी का शेयर अगर मार्केट में लेके आ रहे हैं, ठीक है, और वो पैसा डायरेक्ट अगर कंपनी में जा रही है, अगर वो पैसा डायरेक्ट कंपनी में जा रहा है, तो कंपनी कहाँ खर्च सकती है? R&D में खर्च करेगी, ठीक है, मतलब प्लांट बनाने में खर्च करेगी, फैक्ट्रीज बनाने में खर्च करेगी, एक्सपेंड करना चाहेगी, ठीक है, अपने कंपनी का विस्तार करना चाहेगी, वो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, लोन अगर वो पेड करना चाहेगी, ठीक है। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि अगर इनमें से कोई एक भी हो रहा है तो कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती है। लोन अगर पड़ रही है तो स्वाभाविक है कि अगर लोन पड़ जाएगा, इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, ठीक है, अगर लोन पड़ जाएगा तो कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, सिंपल। अगर फैक्ट्री की विस्तार कर रही है, अपना एक्सपेंड कर रही है कंपनी, तो फिर मतलब प्रोडक्शन एक्सपेंड कर रही है, तो आने वाले दिनों में उसकी सेल्स बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट आएगा, लोन पेमेंट कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है ना कि लोन पेमेंट कर रही है, राइट, क्योंकि जितना पैसा आता है वो तो लोन में चले जाता है, ब्याज में चले जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है, ये लास्ट में आना आता है असल में, लेकिन ओला जो अभी पैसा लेके जा रही है, ठीक है, IPO से,
वो R&D में खर्च करना चाहिए। अब R&D में खर्च करने के लिए कहाँ है, इसमें थोड़ा मोटर में हो सकता है, फ्रेम थोड़ा बहुत हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, मार्केटिंग तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो ही रहा है। सबसे ज्यादा खर्च करना चाह रही है अभी जो पैसा जा रहे हो वो R&D में खर्च करना चाह रही है, तो R&D मुझे लगता है बैटरी में ही खर्च करेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ओला की बाइक्स आपको सस्ते में भी मिले, ठीक है, लेकिन बल्क में सेल होगी, ज्यादा सेल होगा। अभी आपको आपके शहरों में मतलब इनके जो शोरूम है वो नहीं दिखाई देंगे या कम दिखाई देंगे, ठीक है, आने वाले दिनों में ज्यादा शोरूम हो सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगर प्राइस कम हुआ, सबसे ज्यादा इसमें वार प्राइस का ही है। ओके, अगर बैटरी में लोग अच्छा R&D कर लिए तो स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में इनका भाव कम हो सकता है, क्योंकि बैटरी का खर्च कम हुआ तो मुझे लगता है बाइक का भाव कम हो जाएगा। बाइक का भाव कम होगा तो एफोर्डेबल हो जाएगा, लोग हर लोग परचेस करना चाहेंगे, 1 लाख के अंदर अगर आसपास मिलने लगे, ठीक है, अच्छी डिजाइन वाली, अच्छी लुक वाली, तो मुझे लगता है इसकी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो मेरा एक छोटी बुद्धि के अनुसार मुझे लगता है इसमें पैसा फ्यूचरिस्टिक नजरिए से लगाना चाहिए, फ्यूचर मुझे लगता है थोड़ा ब्राइट हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तो इस अकॉर्डिंग इसमें आप पैसा चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी ओला इलेक्ट्रिक के बारे में और डिटेल पढ़ना चाहें तो थोड़ा इसे कंपनी में जाइए, अबाउट कर लीजिए, ठीक है, और बहुत कुछ है जानने के लिए अगर आप जानना चाहें तो। ठीक है, तो मुझे लगा कि हाँ इतना पर्याप्त है, कम से कम अपनी एक व्यू, अपनी एक नज़रिया होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा इसके ऊपर मैं वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स लगभग अभी इसके जो हम देख रहे हैं लगभग 3 इलेक्ट्रिक बाइक निकालती है, इसी में ज़्यादा इनका फोकस है, तो हो सकता है कि इसके कंपटीशन जो मिले आने वाले दिनों में, से कंपटीटर काफ़ी एग्रेसिव भी हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे TVS है, ठीक है, तो TVS जब भी पेट्रोल में भी बहुत एग्रेसिव है। ओके, TVS का शेयर भी देखे होंगे कितना बढ़िया चल रहा है। हीरो है, हीरो आई थिंक एथर में उसने 40 या 41% शेयर ले लिया एथर में, ठीक है, एथर एनर्जी में, और बजाज का तो खुद का चल रहा है। तीसरा जो आएगा ये आ जाएगा कौन, ओला। तो इनका जो है एक अलग सेगमेंट से भी पैसा आ रहा है, ठीक है, मतलब पेट्रोल सेगमेंट से भी इनको अच्छा पैसा आ रहा है। ओला डेडिकेटेड है इसके लिए, तो ऐसा लगता है कि अगर डेडिकेटेड है तो ओला ही ज्यादा अच्छा ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि इनका ध्यान हो सकता है कि इधर भी रहे, ठीक है, अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ रहे, लेकिन ओला के पास करने के लिए सिर्फ एक ही है। जो कंपनी एक ही सेक्टर में फोकस कर रही है, एक ही डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक के ऊपर ही ध्यान लगाएगी, तो संभव है कि फ्यूचर में थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, ऐसा मेरा उम्मीद है। और गवर्नमेंट की तरफ भी थोड़ा बूस्टअप मिल जाए, जिस तरीके से मिल रहा है, हालांकि सब्सिडी तो मिलती ही है, लगभग 15,000 समथिंग सब्सिडी है आई थिंक, अगर मैं करेक्ट हूं तो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों क्या ओपिनियन है, क्या आप लोग देखते हो ओला के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरा व्यू है कि इस स्टॉक में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूं, मैं थोड़ा सा और चार्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा, जैसे ये चार्ट है, ठीक है, ऐसे चार्ट के ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये चार्ट कुछ इस तरीके से बन जाए, ठीक है, कम से कम 3 दिन 4 दिन, इसके बाद जितना महीना, 2 महीना 3 महीना, फिर जब निकलेगा चुकना मत, क्योंकि कब डबल हो जाएगा ना पता नहीं चलेगा। मैं तो अभी से मान रहा हूँ कि डबल हो जाएगा, लेकिन अगर गलती से इनसाइड होके निकल गया तो चुकना मत, इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना। लोअर साइड में मुझे लगता है आप देखिए, मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चार्ट पैटर्न में आपको शेयर कर रहा हूँ, इस टाइप का चार्ट पैटर्न इतना बेहतरीन वर्क करता है ना, इतना बेहतरीन वर्क करता है, आपको बिलीव नहीं होगा, तो एक आज चार्ट में आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, एक नया स्टॉक लिस्ट हुआ था, प्रिंस पाइप, प्रिंस नहीं, सॉरी, हरिओम पाइप, हरि ओम पाइप, और दुर्भाग्य से ना मैं इस स्टॉक को खरीद नहीं पाया था, बहुत दुख लगा, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक ऊपर गया ना, मैं थोड़ा चार्ट शेयर करता हूँ, ऐसा किस टाइप का ऐसा। तो अभी सपोज करो कि ये रेड बन गया, ठीक है, हम छोड़ देंगे इसको, अभी कुछ नहीं करेंगे, हमको ऐसा सेटअप चाहिए, ऐसा अगर ऐसा मिल गया तो स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, इसी तरीके का एक स्टॉक और आपको शेयर करूंगा, सेंको गोल्ड, आप लोगों ने लिया रहा होगा सेंको गोल्ड, अब देख रहे हैं चार्ट को, सेंको गोल्ड का, ठीक, इस टाइप का, मतलब ये तो मंथली चार्ट कर दिया मैं ऐसा, ओके, फिर ये ना डबल ही हो गया डायरेक्टली, डबल से ज्यादा 2.5 गुना हो गया। मैंने इसको परचेस किया था 445 से 450 रुपए के भाव में, अभी भी मेरे पास है होल्डिंग में सेंगो गोल्ड, ठीक है, 165% रिटर्न, क्या शानदार।
बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। चार्ट को थोड़ा सा जब नए स्टॉक लिस्ट होते हैं ना, उसको इस तरीके से देखना चाहिए। एक बार ना माधुरी पुरी बुच जो सेबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी के सवाल का आंसर कर रही थी, तब उन्होंने बताया था कि जो नए निवेशक हैं उनको आईपीओ में हड़बड़ी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि 2-3 महीने इंतजार करना चाहिए। जब उन्होंने लाइन सेंटेंस बोली तो मुझे सबसे पहले अपना चार्ट याद आया। अरे वाह, 1 महीना इनसाइड, ठीक है, 1 महीना मदर कैंडल, दूसरे महीना इनसाइड, तीसरे महीना ब्रेकआउट, तो 3 महीना हो गया मेरा काम, मेरा काम पूरा हो गया। तो चलो, मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा सेटअप है उसमें सेबी के चेयरमैन ने भी ठप्पा लगा दिया है। अच्छा रिटर्न मिलता है। ओके, तो जब भी कोई नया स्टॉक होता है मैं ऐसे चार्ट जरूर फॉलो करता हूँ, उनको ढूंढते रहता हूँ, और जितने नए स्टॉक आते हैं उनको यहाँ से मैं इसमें चले जाता हूँ, ठीक है, आईपीओ में, और यहाँ अपन इसको जो जो लिस्ट होते रहते हैं उसको अपना वॉच लिस्ट में लगा के रखे रहते हैं, जब जब ब्रेकआउट आता है उसको उसमें अपन इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। सिंपल फार्मूला, ठीक है। चलिए, तो ऐसा है फ्रेंड्स ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। थोड़ा सा अपना भी अपनी नज़रिया रख के इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन अपना एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करिए। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।